यूनाइटेड अरब अमीरात में अबुधाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक किया गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूएई में अधिकारियों ने अबुधाबी में धमाके और आग लगने की बात कही थी, साथ ही ये भी कहा था कि ये ड्रोन अटैक हो सकता है। प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड के पास ज्वालामुखी में एक और बड़ा विस्फोट हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP ने इस बारे में जानकारी दी। विस्फोट की वजह से टोंगा के पड़ोसी देशों न्यूजीलैंड और फिजी में फिर से सुनामी का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के टेक्सास में रविवार को सिनोगॉग पर आतंकी हमले के मामले में ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सिनोगॉग पर हमले के आरोपी ब्रिटिश नागरिक मलिक फैजल अकरम को FBI ने ढेर कर दिया था। अयोध्या और काशी की तर्ज पर उज्जैन में 1 मार्च को महाशिवरात्रि महोत्सव को दिव्य महाकाल भव्य उज्जैनी के रूप में मनाने के लिए प्रशासन की एक टीम ने अयोध्या का दौरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसके आधार पर उज्जैन में महाशिवरात्रि उत्सव की परिकल्पना की जा रही है। इस दौरान उज्जैन में 1,000,000 दीपक जलाने का प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रेसिडेंट मार्क स्टीवन शिस्लेस को एक जूनियर महिला कर्मचारी के साथ अवैध यौन संबंध रखने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स को 8 दिसंबर को एक गुमनाम शिकायत मिली थी। इस शिकायत में स्लीशेल पर आरोप था कि उनका एक जूनियर महिला कर्मचारी के साथ अवैध यौन संबंध है। NCP के अध्यक्ष शरद यादव सोमवार को पुणे में मेट्रो ट्रेन में आम यात्री की तरह नजर आए। महाराष्ट्र के पूर्व CM अचानक पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी मेट्रो स्टेशन पहुंचे और अपने कुछ समर्थकों के साथ ट्रेन में करीब 6 किलोमीटर तक खड़े होकर यात्रा की। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार तेजी में रहा। BSE का सेंसेक्स 86 पॉइंट की बढ़त के साथ 61,308 पर और NSE का निफ्टी 52 अंक बढ़कर 18,308 पर बंद हुआ। लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 280,00,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।